गुड आफ्टरनून सुमित, गुड आफ्टरनून सोनाक्षी। कल कहाँ थे आप क्लास में? गुड आफ्टरनून काजल, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे बच्चे? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून सुशील, गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं सब लोग? ओके ठीक है, चलो सोनाक्षी कल आप इवनिंग वाली क्लास में नहीं थे, 4 to 6 में, 4 to 5 में, सॉरी। गुड आफ्टरनून उमंग, ठीक है 2 मिनट वेट करते हैं, सब लोगों को कनेक्ट होने देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। डाटा सफिशिएंसी में क्लास पीपीटी में फर्स्ट क्वेश्चन बता दो, क्यों दर्शन क्या हुआ? पहला क्वेश्चन क्लास पीपीटी का, लास्ट क्वेश्चन 16, ठीक है उसको डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। डाउट अभी एक्चुअली मैंने वर्कशीट का लिया आपसे, मैंने बोला था कल भेज देना क्वेश्चंस आप लोग फ्राइडे तक, ठीक है। चलो देख लेते हैं, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो वर्कशीट के डाउट पूछे थे खुशी ने मुझसे, खुशी आपने अपने 2 डाउट्स भेजे थे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 8 भेजा था, ठीक है ले लेंगे। दर्शन एक्चुअली मुझे वो स्लाइड पीपीटी ऐड करनी पड़ेगी, वो ऐड नहीं करी ना, मुझे पता होता पहले से तो मैं ऐड कर लेता, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्लर्क के बारे में डिस्कशन आज कर लेंगे, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देख ले, इसके बाद हम लोग आज डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स बैंकिंग वाले सारे, तो आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि अब आपके पास 40 से 45 दिन बाकी है, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपका मेंस का है, ठीक है। देखो 6 फ्रेंड्स टोमेटो, तनु, तारा, टीना, तेजा एंड टीटू आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग विद तनु एंड टीना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस काम बनाएंगे क्या, स्टेटमेंट 1 का डायग्राम, टोमेटो इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ तन्नू, तारा इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टीना, ओके, Tara is sitting third to the left of Tina. Tara is not adjacent to tomato. तो तारा यहाँ पर नहीं बैठ सकती, तारा यहाँ पर नहीं बैठ सकती। तारा को अगर यहाँ पर बैठाता हूँ तो तारा और टीना के बीच में 1-2 का गैप है, तो यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो इसके लिए तारा बैठेगी यहाँ पर, ठीक है, और टीना बैठेगी यहाँ पर। टीना के लेफ्ट में 1st, 2nd, 3rd पे तारा आ चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा रहा था, हमारा स्टेटमेंट 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन तन्नू एंड टीना, तो तन्नू भी है टीना भी है। क्या मैं यहां से आंसर निकाल पा रहा हूं पहले वाले से, बताओ? खुशी निकाल क्यों पा रहा हूं यहां से आंसर? नो क्यों कर रहे हो आप? तन्नू और टीना के बीच में कितने लोग बैठे हैं वो निकाल तो पा रहा हूं आंसर में यहां से, बताओ यहां से डायग्राम से आप। खुशी, तन्नू और टीना के बीच में कितने लोग हैं, इसका आंसर मैं निकाल तो पा रहा हूँ। हाँ बोलो। पेपर दोनों डायरेक्शन से अलग-अलग निकलेंगे, मतलब अगर हम तन्नू के लेफ्ट से काउंट करेंगे तो 3 लोग। 1 सेकंड, तो ये तो हमेशा होता ही है ना सिटिंग अरेंजमेंट में, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो हमेशा 2 डायरेक्शन से होता है। तन्नू और टीना के बीच में कितने लोग बैठे वो आंसर नहीं बता सकते, यहाँ से बैठे तो 0 मत, आप वो चीज क्यों डिसाइड कर रहे हो? आप ये देखो ना कि आप पर्सन बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे हो, वो आप गलत जो आप जिस सेंस में ले रहे हो रहोगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पर दो आंसर निकलते हैं, तो आपको उस सेंस में सोचना चाहिए ना। आप एग्जैक्ट आंसर तो कभी निकाल नहीं सकते। आप हमेशा जब भी सिटिंग अरेंजमेंट करते हो सर्कुलर का, तो हमेशा आपके दोनों एंड से होते हैं आंसर, तो दोनों एंड से आंसर आ रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पे कंफर्म आंसर दोनों एंड से है, पोजीशन फिक्स है ना दोनों की। सर ऐसे नहीं होता कि जैसे स्टेटमेंट वन में से अगर मतलब दोनों तरफ से सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता? अरे तो यहाँ पर आंसर सेम ही तो है। आप क्वेश्चन आप ये नहीं समझ रहे कि क्वेश्चन कौन से टाइप का है। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सर्कल में जब भी लोग बैठते हैं तो दो लोगों के बीच में हमेशा दो तरीके से आप बता सकते हो कितने लोग बैठे हैं, राइट से और लेफ्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से आप बता सकते हो, पहले वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो जब आप पहले ऑप्शन से बता सकते हो, देखो आपके कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ से। The data in statement one alone is sufficient to answer the question, ये हो सकता है। Alone two is sufficient to answer, while ये तो गलत हो गया। उसका data in statement either ये भी हो सकता है C भी। The data in both the statement two is not sufficient, ये भी गलत होगा। If the data in both the statement two are necessary, ये भी गलत होगा। तो basically आपका यहाँ पर ठीक है हो जाएगा ना खुशी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है? Among 7 boxes P, Q, R, S, T, U and V were placed from top to bottom. Which box is placed on the top? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? देखते हैं उसको। P was placed two boxes above R. इसका मतलब क्या हुआ? इसको जरा मैं थोड़ा सा ऊपर या नीचे कहीं बनाता हूँ। सब जगह बहुत सारा डाटा है, खाली स्पेस नहीं है, इसमें ऐड नहीं किया ना मैंने। चलो, P was placed two boxes above R, यानी कि इसको यहाँ नहीं यहाँ पर रखता, तो एक दो और नीचे बीच में R आ गया। ठीक है, देयर आर टू बॉक्सेस बिटवीन P एंड Q। तो अब एक चीज मुझे बताओ, देयर वर टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन P एंड Q, तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर की तरफ जाएगा। 2 3 4 5 6 7। सर स्क्रीन बहुत बड़ा दिख रहा है अभी, ठीक है? कोई बोल रहा है जूम आउट जूम कर दो, कोई बोल रहा है अभी, ठीक है? प्रीति कुमारी अभी ठीक है स्क्रीन? वो सर अभी भी बड़ा दिख रहा है स्क्रीन, मतलब अभी आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है जो मैं करा रहा हूँ वो देखो आप। सर क्वेश्चन ही बोल रही हूँ, आधे क्वेश्चन दिख रहे हैं आधे नहीं दिख रहे। उनका शायद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आप अभी छोटा कर आप दिख ही नहीं रहे, अभी पहले ही ठीक था। अभी ठीक है? अभी देखो। हाँ सर ये भी प्रॉपर है, अभी पूरा क्वेश्चन देखना चाहिए। ठीक है प्रीति, आप चेक करो एक बार। ठीक है ओके सर, मैं रिफ्रेश करती हूँ। हाँ देखो, तो P was placed two boxes above R, करेक्ट। अभी there are two boxes between P and Q, ठीक है? Q was not placed at the top or bottom among seven boxes placed on the top to bottom, which box is placed on the top? P was placed two boxes above R. Okay. Just a second. ये स्टेट थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बनाया। P was placed two boxes above R. इसका मतलब क्या है? एक का गैप आएगा, क्योंकि two boxes above R का मतलब एक का गैप पर। There were two boxes between P and Q. तो अब यहाँ पर सीन क्या है? दो बन सकती है कंडीशन, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा ना स्पेस का इशू हो रहा है इसमें। एक बॉक्स, दो बॉक्स और उसके ऊपर कौन सा आपका आया? क्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? देयर वर टू बॉक्सेस। ठीक है, क्यू वाज नॉट प्लेस्ड एट द टॉप और बॉटम। ठीक है, तो क्यू टॉप बॉटम पे नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर एक चेयर आ जाएगी ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस केस में क्या है? Q was not placed at the top or bottom, तो इसके नीचे एक चेयर आ जाएगी। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि among seven boxes who was placed on the top? तो यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे तो पहले से आपका आंसर नहीं आ रहा, करेक्ट? पहले से क्या आंसर आ रहा है खुशी? पहले वाले स्टेटमेंट से क्या आपका आंसर आ सकता है? नहीं आ रहा। ठीक है, now let's move on to the next one. Q was placed 3 boxes above P. एक दो यहाँ पर आ जाएगा P. तो एक दो तीन Q was placed 3 boxes above P, but not at the top. Q was not placed at the top. इसका मतलब एक चेयर तो होगी होगी. S was placed 2 boxes above U. Okay, इसको भी मर्ज करेंगे इसमें. Which was not placed at the bottom. ठीक है. Okay, U S was placed 2 boxes above U, which was not placed at the bottom. ठीक है. तो अब कैसे रख सकते हैं? देखो एक दो तीन चार पाँच. ओके अगर मैं S को यहाँ पे रखता हूँ U को, तो S यहाँ आ जाएगा. तो फिर ऐसे अगर, क्योंकि मैं यहाँ पर U को रख नहीं सकता, ऊपर S है, यहाँ पर U को रखता हूँ तो यहाँ पर S आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं नीचे, अभी ऑब्वियसली बात है कि एक दो तीन चार पाँच है, अगर मैं इसको नीचे भी ले जाता हूँ क्योंकि U which was not placed at the bottom, तो अगर ऐसे यहाँ से दो कंडीशन बन सकती है मेरी इस तरीके से, देखो और P यहाँ पे. ठीक, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो S यहाँ आ जाएगा. करेक्ट. अभी U was not placed at the bottom, इसका मतलब नीचे एक चेयर और चाहिए चाहिए. एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, 7 लोग हो गए. अब इस कंडीशन में जाऊँगा तो S मेरा यहाँ आ जाएगा, तो U मेरा यहाँ आ जाएगा. सॉरी हाँ, S ऊपर आएगा U नीचे, तो S मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा, U मेरा यहाँ आ जाएगा. बट यहाँ पर एक दो तीन चार पांच ही चेयर हुई है, तो यहाँ से भी मैं कंफर्म नहीं बोल पा रहा कि टॉप पोजीशन पे कौन बैठा है. क्या समझ आई ये बात? क्या समझ आई? इसका मतलब डाटा एंड स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, ये भी गलत है. अलोन टू इज सफिशिएंट टू आंसर, ये भी गलत है. इज द डाटा इन स्टेटमेंट आइदर वन अलोन और टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर, तो ये भी गलत है. ठीक है. ये क्या कह रहा है? डाटा इन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर नॉट, ये चेक करना पड़ेगा. The data in both statement one and together are necessary to answer the question. अब इन दोनों के बीच में फाइट चलेगी. ठीक है. अब देखते हैं तो क्या आप इसको बना सकते हो इसको मर्ज करके. देखो आप अगर इसमें मत करोगे उस वाले में एक दो तीन चार. ओके अब आप देखो U को S के ऊपर रखना है. ठीक है. कैसे करेंगे? इसको अभी मैं हटाता हूँ. अब इस कंडीशन को अलग से पुट करेंगे क्योंकि इंडिविजुअली तो वो हो नहीं पाएगा. ठीक है. अब एक बात बताओ मुझे, ये दोनों को हम मर्ज कर ही नहीं सकते. इन दोनों को हम मर्ज कर ही नहीं सकते. बताओ क्यों? प्रेरणा डाटा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन अगर पूरा सीजीएल का सेट देखोगे तो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इट्स बेटर कि आप कर लो उसको. ठीक है. टॉपिक को ड्रॉप मत करो. अब मुझे बस एक बात बताओ खुशी, कि क्या हम स्टेटमेंट वन को और स्टेटमेंट टू को मर्ज कर सकते हैं? उसको छोड़ो प्रज्ञा, ऐसे जवाब यू को छोड़ो यार. यहाँ पे क्या लिखा है कि P से ऊपर Q है और यहाँ पे क्या लिखा है Q से ऊपर P है, तो हम उसको मर्ज ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि P was placed 2 boxes above it was R. नो, उसको छोड़ते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप P से ऊपर Q है. ठीक है. तो इस कंडीशन को आप मर्ज नहीं कर सकते. अगर आप मर्ज करोगे तो इसको करोगे. ठीक है. अब इसे मर्ज करके देखते हैं. ठीक है. देखो P से ऊपर Q हो गया. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना, इसमें आपकी 7 चेयर्स परफेक्टली पड़ी हुई है. देखो मैं साइड से बना रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन पहले के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है. इधर ध्यान से देखना सब लोग. ठीक है. P आ गया इधर, अब इधर R आ गया. कहने का मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन बनेगी अगर बनेगी तो. ठीक है. अब मुझे इसमें ही मर्ज करना है अगर बनता है तो, क्योंकि पहली वाली ये आपने क्यों नहीं किया शीतल? जरा आप मुझे बताओगे ये वर्कशीट क्यों नहीं करी आपने? ये वर्कशीट क्यों नहीं करी? जिन लोगों ने पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करा है वो इन क्वेश्चंस को अभी छोड़ दो. ठीक है. चलो छोड़ दो इनको. हाँ तो मत करो अभी, अभी मत करो, बाद में समझ लेना. ठीक है. खुशी इधर थोड़ा ध्यान से देखो. एक बात बताओ खुशी, हमारे पास स्टेटमेंट वन की 2 कंडीशंस थी, तो जो पहली कंडीशन थी वो तो इसके साथ क्या कर रही थी? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी. सिर्फ एक कंडीशन बची थी. अब यहाँ पर मुझे चीजों को पुट करके देखना है. यहाँ पर क्या था कि एस, यहाँ पर अगर मैं पुट कर रहा हूँ एस वॉज प्लेस 2 बॉक्स अबव यू, तो कहाँ पर प्लेस करूंगा? U was not placed at the bottom. ठीक है. तो मैं इसको यहाँ भी पुट कर सकता हूँ S और U को. और मैं चाहूं तो इसको यहां भी पुट कर सकता हूं, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है कि P से दो बॉक्सेस अबव Q है, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप जब इसे मर्ज करोगे तब भी आप श्योर नहीं हो, क्योंकि आप U और S को देखो। बोलो आप बोलो। मेरे को एक चीज में कंफ्यूजन ये थी कि जैसे कि P was placed two boxes above R, तो R के बीच में हमने एक बॉक्स का गैप दिया है, और वहीं पे अगर हमने Q was placed two boxes above P, तो वहाँ पे हमने दो बॉक्सेस का, तो मुझको यही कंफ्यूजन हो रहा था कि एक बॉक्स एक बीच में डालना है कि। समझ आया क्वेश्चन की नहीं आया ये बताओ पहले आप। हाँ सर अब समझ में आ गया मेरे को, पर हाँ पॉइंट इसमें ये है कि अगर मैं इस वाली कंडीशन को मर्ज कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं S और U के पेयर को यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मेरा टॉप पोजीशन खाली पड़ा है, और मैं S और U को यहाँ भी प्लेस कर सकता हूँ, तब टॉप पर S आ रहा है। तो श्योर आंसर नहीं मिल रहा दोनों को मर्ज करने के बाद भी, समझ आया? इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, ठीक है। खुशी क्लियर हुआ या कुछ और डाउट है अभी इसमें? नहीं तो हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ कोई बात नहीं। प्रीति कुमारी एंड शीतल वाशने, आप लोग 24 मार्च के स्टूडेंट्स हो ना बच्चों? आप लोग 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स हो ना? अरे अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सॉरी शीतल, मैंने डांटा आपको, कोई बात नहीं है। मुझे लगा आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। एक्चुअली ये मैंने 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स को आज इसलिए ज्वाइन कराया था क्योंकि स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एक फ्रेश टॉपिक है, ठीक है। तो गुस्सा मैंने गलती से कर दिया, इसलिए सॉरी, ओके। चलो चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर एक्चुअली सारे बैच के स्टूडेंट्स सब लोग मेंस के लिए टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जितने भी ये फैब वाले भी बैच के हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहले हम स्टार्ट करेंगे, हमारे संग कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफी पुराने हैं, तो उनसे मैं पहले उनकी स्ट्रेटेजी में यहाँ सुनना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे संग उमंग है, मनीषा है, जो 7 दिसंबर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उमंग और मनीषा, मैंने आपको बताया था कि कभी भी SBI क्लर्क आ सकता है। तो एक एक करके आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग किस स्ट्रेटेजी से तैयारी कर रहे हो, क्या चल रहा है आपका प्रिपरेशन, फॉर्म फिल कर लिया है, कहाँ से? कौन बताएगा पहले, उमंग या मनीषा, क्या कर रहे हो? उसके बाद मैं बताऊंगा। फॉर्म तो फिल कर दिया है अभी, लेकिन मतलब चल रही है अभी। सिलेबस तो हो गया ऑलमोस्ट, इंग्लिश का आई थिंक इंग्लिश का भी हो गया अब तो लास्ट वीक, तो बस सब रिवीजन ही चल रही है, और मॉक टेस्ट स्पीड कम है सर मेरी, तो फिर मैं तो स्पीड पे ही वर्क कर रही हूँ थोड़ा। ओके तो मतलब मॉक टेस्ट के अलावा और आप क्या करते हो सेल्फ स्टडी के टाइम पे? मतलब जब सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो कैसे स्टडी कर रहे हो, कितने आवर्स दे रहे हो एक सब्जेक्ट को? सर ऐसे अभी एक्चुअली ऐसे प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनी कि प्रॉपर मैं किसी चीज को कब बनाओगे वो पता नहीं, बन ही नहीं रही वो। बस ऐसे मूड पे है कि जो भी सब्जेक्ट का मन करता है वो उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजी नहीं है कोई, ठीक है, जो मन आता है वो उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो सुनो मनीषा, आप बताओ एक बार। मनीषा तनवर, आप अनम्यूट कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखो पॉइंट ये है सबसे पहले कि अगर आप लोगों को SBI का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो भाई देखो मेरे स्टूडेंट्स जितने भी यहाँ पर सारे लोग, मैं रीजनिंग में आपको बोल रहा हूँ कि रीजनिंग सेक्शन में आपको 32+ स्कोर लाना है। कौन कह रहा है कि वो ला सकता है? उमंग और मनीषा, कोई आप में से कोई बोल पाओगे कि हम ले आएंगे? उमंग और मनीषा, क्या आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 32+ ला सकते हो SBI क्लर्क में रीजनिंग सेक्शन में? उससे ऊपर जाना है, कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ, कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। आप जितने भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, आपको अपना रेंज रखना है 75 से 80 के बीच में, तब जाकर आपके चांसेस है प्रीलिम्स क्लियर करने के। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन की बात करूंगा। रीजनिंग सेक्शन आपका इजी लेवल का आएगा, पूरा पेपर ही इजी होगा, इसलिए बोल रहा हूँ इतना स्कोर लाना पड़ेगा। आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, इन्हें टारगेट करना है, जल्दी से जल्दी इन्हें करना है। अगर इनको आप अगर 14 मिनट देना चाहते हो 20 में से, तो बाकी के जो 15 क्वेश्चन है जिसमें सिलॉक्स आएगा, इनइक्वालिटी आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आएगा, ऑर्डर रैंकिंग आएगा, अल्फा न्यूमेरिक आएगा, इन 6 टॉपिक से 15 मार्क्स का आएगा। वो 15 मार्क्स आपको बहुत जल्दी स्कोर करने हैं, क्विकली, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 मिनट्स के अंदर, so that you can devote your remaining 13 to 14 minutes to reading sitting arrangement or puzzle. अगर आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपका स्कोर 34 तक आ सकता है, और अगर आपका स्कोर 34 आ गया तो आपका बहुत 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 अच्छा चांस है, ठीक है। उसके बाद ये रीजनिंग सेक्शन में आपको सिर्फ ये 7 to 8 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। 8 टॉपिक्स आपके क्या क्या है वापस रिपीट करता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कौन सा टॉपिक, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी तो मैंने आपको इतने अच्छे से करा दिया है ये टॉपिक्स कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अभी आप डायरेक्ट जाके पेपर में कर सकते हो। सिटिंग सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये 6 टॉपिक्स आपको बेटा बहुत तेजी से स्कोर करना है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप इन्हें अच्छे से जितनी जल्दी स्कोर कर लोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बनाते वक्त आपका हाथ नहीं कांपेगा, आपका दिमाग काम करेगा क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। अगर आपके पास प्रीलिम्स के सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, वो भी क्लैरिकल लेवल के लिए, अगर 3 मिनट से पर हेड क्वेश्चन ऊपर है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम। आप ये मत समझो कम है, वो टाइम आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल क्लैरिकल लेवल बनाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इस बात को याद रखना। 12 मिनट 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप बाकी इसमें अगर रीजनिंग सेक्शन में अच्छा करते हो तो आप ओवरऑल बहुत अच्छा करोगे, याद रखना, ठीक। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स सेक्शन में भी मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं 25 नंबर तो बिना दिमाग लगाए सिर्फ स्ट्रेटजी से आ जाएंगे। कैसे, सुनो मेरी बात, 25 मार्क्स बता रहा हूं पहले कैसे आएंगे। DI इसको सॉल्व करना सबसे पहले, उसके बाद इनइक्वालिटी, उसके बाद अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, बहुत इजी आएगा ये। कम से कम यहाँ पर आपको 22 नंबर लाने हैं 8 से 10 मिनट के अंदर, या चलो मान के चलते, चलो ठीक है 13 मिनट लग गई 22 नंबर पर। अब बचे क्या, प्रज्ञा DI टफ बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको प्रीलिम्स लेवल का DI प्रज्ञा डिफिकल्ट लगता है तो मेंस लेवल का DI आप जब देखोगे तो आप भाग जाओगे। अगर प्रीलिम्स लेवल का DI आपको टफ लगता है तो मेंस लेवल का देखोगे तो भाग जाओगे बहुत दूर। प्रीलिम्स लेवल का DI बहुत बेसिक आता है, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो ये 4 कर लिया। उसके बाद अरिथमेटिक सेक्शन में क्या टारगेट करोगे जिससे काम बन जाए, सुनो मेरी बात, रेशियो, क्योंकि आपको बच्चों ये टॉपिक पढ़ना पड़ते हैं ना। आपका DI अगर कमजोर है, प्रज्ञा या DI से टफ लगता है, तो वो इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि आपके ये टॉपिक्स है ना, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके कमजोर है प्रज्ञा, है ना। ये जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है ये आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका DI ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेटा प्रज्ञा कम से कम एक टॉपिक के 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। स्पीड कोई पेट्रोल डालने से या इन सब चीजों से डालने से नहीं आती है, स्पीड प्रैक्टिस करने से आती है। प्रिया कुछ कह रहे हो आप, प्रिया सिंह, चलो ठीक है ये हो गया। उसके बाद रेशियो में आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस आता है, पार्टनरशिप आता है, इसके एक एक क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, मैं बोलता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं भी करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक क्वेश्चन आएगा छोड़ देना। ये कर लो, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क, 5 टॉपिक, कम से कम 6 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। हो गया 22 प्लस 6 से 7 और ले आओ, आ गया आपका 28 स्कोर। 28 यहाँ ले आओ, 32 रीजनिंग में ले आओ, 20 नंबर इंग्लिश में आ ही जाएंगे। कितना हो गया, 80 हो गया, कोई नहीं रोक रहा प्रीलिम्स निकलने से। समझ आया। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है। हाँ बट ये है कि इंग्लिश में मैं अगर जब प्रीलिम्स मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए उसमें मेरे सब में 23, 24, 22, 23, 24 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत नॉर्मल पार्ट है, इजी आता है इंग्लिश। बस ध्यान रखना अपने आप को ज्यादा ब्रिलियंट मत समझना, ब्रिलियंट समझोगे तो 30 के 30 टिक लगा के आ जाओगे। और आपको पता है कि इंग्लिश में किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं हो पाती है, ठीक है। मैथ की और रीजनिंग की बात अलग है, लेकिन इंग्लिश में कभी भी किसी की एक्यूरेसी 100% नहीं हो पाती, ठीक है। इसलिए कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा 24-25 अटेम्प्ट करना, 22-21 सही हो गए काम हो जाएगा। इस तरीके से आपके 80 नंबर आ जाएंगे बहुत प्यार से। प्रैक्टिस कर लो, 40 से 45 दिन की स्ट्रेटेजी बना लो। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ उमंग और मनीषा दोनों का प्रीलिम्स निकल जाएंगे, ठीक है। आप लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको काफी टाइम हो गया। आप लोगों की गाड़ी अब बिल्कुल छठे गियर पे होनी चाहिए, समझ आ रहा है। ये नहीं कि सर जो मन किया वो उठा के पढ़ लिया, नो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू विल हैव टू मेक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। काम करो 7 से 8 घंटे। और फिर एक चीज बिल्कुल मत भूल जाना सारे स्टूडेंट्स कि प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे, उसके बाद आएगा मेंस। मेंस में आपको प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद हार्डली 20 से 25 दिन का टाइम गैप मिलता है। तो कहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मान के चलता हूँ कि 25 दिन है, 25 दिन में आप एक एक मेंस का सेट लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस करंट कैसे, कौन पढ़ेगा वो? 6 महीने का जनरल अवेयरनेस करंट 20 दिन में बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। रिमेंबर माई वर्ड्स, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों को SBI क्लर्क नहीं देना, आपको आने वाले टाइम में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में IBPS क्लर्क, IBPS PO RRB क्लर्क भी देना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने का करंट घोल के पी जाओ। अगर 50 या 40 मार्क का करंट आता उसमें से 30, 35 और 28 या 30 नंबर लाने हैं तो, क्योंकि जितना अच्छा करंट में स्कोर आएगा उतना इजीली पेपर निकल जाएगा। याद रखना इस बात को, समझ रहे हो मेरी बात को? सर और सब्जेक्ट तो समझ में आते हैं सही से, पर इंग्लिश में पीछे हूँ। और सर क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से थी और सर मैं नाउन प्रोनाउन या बचपन से नहीं समझ में आते, तो सर इंग्लिश का कैसे पढ़े ताकि समझ में आए, पास हो जाए जिससे। प्रियंका पहले तो एक बात बताओ, आप SSC को टारगेट कर रहे हो, बैंक को कर रहे हो, दोनों को? प्रियंका दोनों, ठीक है। देखो प्रियंका, SSC के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार मोहित सर से बात कर लो, क्योंकि SSC में जो इंग्लिश आती है उस वो 60% आती है रट्टू तोता वाली, यानी कि उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेसेस ये सब आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मोहित सर बता देंगे कैसे क्या करना है, ठीक। अब बात आती है प्रियंका बैंकिंग वाली इंग्लिश की। तो बैंकिंग में जो इंग्लिश आती है, अगेन मैं बोलूंगा कि वो रूल्स वाली नहीं होती ना रट्टा वाली होती। जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो डिपेंड करती है कि आपके रीडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, क्योंकि RC आता है 10 मार्क का, 8 से 10 मार्क का RC आता है। और बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं प्रियंका बैंकिंग में, बड़े अजीब होते हैं। वो आपको 4-4 स्टेटमेंट देंगे, उन्हें कंबाइन करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट किससे कंबाइन हो जाता है। तो जो बैंकिंग की इंग्लिश है वो रीडिंग स्किल पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए प्रियंका आपको एफर्ट ये लगाना पड़ेगा, आप अखबार पढ़ना शुरू करो, अखबार पढ़ने की आदत डालो, रेगुलरली डेली बेसिस पर 1 घंटा अखबार पढ़ो। उसमें जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे उसकी मीनिंग देखो गूगल से, इस तरीके से पढ़ो तो शायद आपकी इंग्लिश प्रॉपर तैयार हो जाएगी। और बाकी मैं तो रीजनिंग का हूँ, मुझसे आप रीजनिंग और मैथ का पूछोगे मैं आपको पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट इंग्लिश में मेरा भी ऐसा है कि मैं काम चलाने की कोशिश करता हूँ। मैं रीजनिंग और मैथ में स्कोर इतना ले आता हूँ कि इंग्लिश के स्कोर से फर्क नहीं पड़ता मेरा। तो कोशिश आप ये करो कि आप एक बार शशांक सर से बात करो कि सर इंग्लिश को और किससे, मतलब वो सर आपको ऑब्वियसली बात है वो इंग्लिश की फैकल्टी है, आपको बड़ा एक्यूरेट बताएंगे वो कि किस तरीके से टारगेट करना है। समझ आया प्रियंका? बाकी बैंकिंग की इंग्लिश आपकी रीडिंग से अच्छी होगी, रीडिंग तो फॉर श्योर है कि वो तो एक पॉइंट है ही है, ठीक है भाई। संदीप मैंने तो बोल लिया स्ट्रेटेजी को लेकर, आप बताओ कोई डाउट है आप? और इस चीज पर आप इतना मैंने ज्ञान दिया, उस पर अप्लाई कैसे करोगे, कितने घंटे स्टडी करोगे? सर स्टडी तो मेरा नॉर्मली 8.5 आवर्स होता ही है, बहुत अच्छा है। अभी मेरा प्रेजेंटली सिटिंग अरेंजमेंट चल रहे हैं एंड ऐसे 3-4 मींस 2-3 टॉपिक्स है जो हमारे अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, खास करके मैथ्स में। जैसे सीआई और एसआई तो हो गए हैं, पर सर जैसे आपने बोला उनके क्वेश्चन आते हैं और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अदर देन दैट डीआई एंड ऑल वो हमारा, यस सर, डीआई एंड ऑल हमारा अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। सुनो मेरी बात, तो ये अगर ये सुनो मेरी बात सुनो, रेशियो हो गया? यस सर, यस सर, रेशियो प्रोपोर्शन अभी अभी फिलहाल हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया? यस सर। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया? नहीं सर। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया सर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज हो गया? नहीं सर। ठीक है, एवरेज नहीं हुआ ना तो सर से बोल देना वो एवरेज करा दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर को कोई टॉपिक पहले कराना, कोई बाद में, वो करा देंगे। ये टॉपिक हो गए 3 प्रॉब्लम ऑन एजेस। अगर आपका नहीं भी हुआ तो प्रॉब्लम ऑन एजेस पूरा रेशियो का पार्ट है। ओके, ठीक। अब मेरी बात संदीप ध्यान से सुनना, मैंने बोला था प्रीलिम्स की बुक खरीद लेना कोई भी। अब स्टार्ट कर दो अपना डीआई लगाना। आपके पास 45 दिन है, 45 दिन में से रोज आधा घंटा 2 डीआई लगाओ। 90 डीआई लगा लोगे पेपर तक तो गारंटी से मैं एक पेपर पर लिख के दे रहा हूं कि जो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में डीआई आएंगे आप बहुत आराम से बना लोगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की रोज 2 डीआई बनाओ, 45 दिन 90 डीआई पेपर में गारंटी से बन जाएंगे, टेंशन खत्म। ठीक है, और बाकी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सर से बोल दो, सैटरडे को करा देंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी कर लो, नंबर सीरीज कर लो, मैथ का काम हो जाएगा। 45 दिन में कर लो और आपके पास टाइम भी है, इतना आप कर दोगे। सर से बोल दो वो ये टॉपिक्स पहले करा देंगे। सीआईएसआई का आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्री में भी नहीं, मेंस में तो आते नहीं है क्वेश्चन, मेंस तो पूरा डीआई बेस्ड आता है। ठीक है, और बाकी रीजनिंग में मैं सिटिंग अरेंजमेंट अभी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं पजल स्टार्ट कर दूंगा। मैं करा रहा हूँ, लेकिन संदीप जरूरी है कि आप साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। यस सर, डेली प्रैक्टिस होता है मेरा 1 आवर। ठीक, ओके। तो आप 8.5 घंटा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। इसमें अब अपने आप अपनी स्टडीज को थोड़ा सा बोलते हैं ना कन्फाइन करना, मतलब एक पूरे कमरे में रोशनी है। रोशनी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर मुझे उस रोशनी को कन्फाइन करना है तो थोड़ा सा डायरेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर, वेलकम। हिमांशी कह रही है हो गया एज, प्रॉब्लम ऑन एज हो गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉब्लम ऑन एज हो गया तो ठीक है। चलो मानस, 3 घंटे स्टडी कर रहे हो तो मानस, मैं आई नो कि ये सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहे हो कि क्लास का टाइम इंक्लूड करके बता रहे हो? सेल्फ स्टडी अगर आप क्लासेस के साथ 3 घंटे कर रहे हो तो वो भी एक अच्छी चीज है मानस, लेकिन जैसे आपका कोचिंग खत्म होगा, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, वो 3 घंटा आपका 8 घंटा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो 3 मिनट का टाइम देता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग जो भी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो इस बार, क्या आपके मन में है? मैंने अपना स्ट्रेटजी बता दिया। मॉक टेस्ट जरूर दो बच्चों, 45 दिन 45 मॉक टेस्ट, मजा आ जाएगा, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एसएससी से डर लगने की कोई बात नहीं है। एसएससी का सिर्फ पॉइंट ये है कि एसएससी के अंदर जनरल अवेयरनेस और उसका जो इंग्लिश का पार्ट है पूरा रट्टा वाला आता है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, कहां से करना है, वो आपको मोहित सर बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मनस, नहीं पेपर टफ नहीं आता, पेपर इज नॉट टफ मानस, पेपर इज सेम फॉर ऑल। आप अगर मैथ और रीजनिंग का पार्ट उठा के देखोगे तो बहुत इजी आता है। पेपर आपको टफ क्यों लगता है? क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, तो बच्चे क्या क्या पढ़े वो समझ नहीं आता। तो उसके लिए आप मोहित सर से पूछना, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। मैथ और रीजनिंग का सेक्शन देखोगे तो बहुत ईजी आता है, आराम से आप वहां पर 50 में से 48-47 क्वेश्चन कर लोगे, बहुत प्यार से। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे आपका लगना है। और उसमें एक्चुअली इंग्लिश क्या होता है, हाँ इंग्लिश क्या होता है कि 25 में से 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो रट्टाफिकेशन वाले होते हैं। वो सारा कुछ आप ना मनस एक बार मोहित सर से पूछे ना, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सारा कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, चलो, और कोई डाउट किसी को बैंकिंग से रिलेटेड? हिमांशी, ये कर ली थी वर्कशीट इसकी आपने, डाटा सफिशिएंसी की? क्यों नहीं करी उमंग और हिमांशी? और खुश क्यों हो रहे हो इतना काम नहीं करने के बाद? मानस, मैंने दे दिया गाइडेंस, और क्या गाइडेंस चाहिए आपको, बताओ। पढ़ाई करनी है बस, सबसे बड़ी चीज यही है। ओ माय गॉड, हिमांशी को टाइम नहीं मिला। मतलब उमंग एक तो वर्कशीट नहीं करी, और फिर आप ये कह रहे हो कि जब मैंने डाउट पूछा तो बोला कोई डाउट नहीं है। हाँ, हाउ स्मार्ट। नहीं सर, मतलब अरे आपने पूछा नहीं कि कुछ डाउट है आपको ये एग्जाम के रिलेटेड, तो मैंने बोला कि नहीं अभी तो कोई डाउट नहीं है। मतलब आपने बता दिया ना सब, इसीलिए। पर वो डाटा सफिशिएंसी की मैंने देखी थी वर्कशीट, वो ठीक है हो गई थी। अच्छा, मतलब आप उसे देखी और हो गई। वेरी गुड, वाओ, वेरी स्मार्ट। पूरी नहीं की, लेकिन जितने किए उसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक, ओके, ठीक है। नहीं सर अभी तो नहीं, मनस ओके सर टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं सर। डाटा सफिशिएंसी लो, डाटा सफिशिएंसी इज नॉट फॉर सीजीएल, तभी मैंने आप लोगों को नहीं बोला था इस क्लास को करने के लिए। कल वर्कशीट तो हो गई, बट पीपीटी में लास्ट क्वेश्चन है बस डाउट। मैं दर्शन नेक्स्ट क्लास में पक्का प्रॉमिस आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो सर, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर रेगुलरली स्टार्ट कैसे करें? ओके देखो, एक तो मेरी बात को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। आप लोग ना थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करो, सुनो मेरी बात। बट मोनोटोनस लगता है ये सेक्शन, हाँ इट इज। मेरी बात सुनो आप लोग, आपका काम क्या है? आप बेसिकली आप यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो भी फैकल्टी जनरल अवेयरनेस से करंट पढ़ा रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट स्टिल बच्चों, हमें किसी पे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें खुद से भी कुछ ना कुछ करना है। तो आप करो क्या, मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। आपको हार्डवर्क करना है तो हार्डवर्क ऐसे करो जो आपके काम आए। सबसे पहले तो आप लोग बैंकिंग की न्यूज़ पे फोकस करना स्टार्ट करो, फाइनेंशियल न्यूज़ पे फोकस करना स्टार्ट करो। मेरा फोकस से मतलब है, अगर आपको कोई भी बैंकिंग की न्यूज़ मिलती है, जैसे बैंकिंग की कोई भी हेडलाइन आपको अगर क्लास में फैकल्टी पढ़ा रहा है या यहाँ की PDF में आपको मिलती है, आपका काम क्या है? उसको रीड नहीं करना है, उस पर्टिकुलर हेडलाइन को पढ़ो, ठीक बच्चों। नीचे स्पेस बनाओ ऐसे करके, गूगल करो उस न्यूज को, उस न्यूज को गूगल करो, और गूगल करने के बाद उसकी डिटेल्स को कॉपी डाउन करो। ऐसे ही अगर आपके पास दिन में 15 न्यूज है तो 15 न्यूज की हेडलाइन पढ़ो, उनको गूगल करो और उनकी डिटेल नोट डाउन करो। क्योंकि बैंकिंग में ऊपर से हेडलाइन नहीं आती है, पूरा अंदर तक घुस जाते हैं वो, इतना अंदर तक घुस जाते हैं कि कभी कभी आप पढ़ के भी आते हो तो भी नहीं समझ में आता। अगर आप सिर्फ रीड आउट करने वाले हो चीजों को, देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रिमेंबर माय वर्ड्स, नॉट इवन अ सिंगल करंट अफेयर यू विल बी एबल टू मार्क इन एग्जाम इफ यू डू लाइक दिस। इफ यू आर गोइंग टू स्टडी योर करंट अफेयर्स इन सच अ वे, यू विल हैव टू बी वेरी श्योर कि आप एक एक चीज को डिटेल में पढ़ रहे हो। SBI PO का करंट अफेयर्स इस बार बहुत 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 डिफिकल्ट था। RRB PO का बहुत बहुत डिफिकल्ट था। मैंने यहाँ पर ऑफलाइन बैच जो चलता है, वहां पर मैंने स्टूडेंट्स को अपना RRB PO मेंस का स्कोर कार्ड दिखाया था। उन लोगों ने बोला था सर इतना अच्छा स्कोर, मतलब उन्होंने बोला था कि मेरे कट ऑफ से 24 मार्क्स ज्यादा थे, मेरे 70 कट ऑफ था, मेरा स्कोर था 94। उन्होंने बोला वाह। लेकिन फिर उन्होंने मेरा करंट अफेयर्स का स्कोर देखा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो मैं 9 आवर्स जॉब करता हूँ तो करंट अफेयर्स डेली पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरा करंट अफेयर्स में उतना ही स्कोर आया था जितना कट ऑफ गई थी। जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ गई थी 4.5 नंबर 40 में से, और मेरे वही स्कोर आया था, ठीक है। मैथ में मेरा 40 में से 29 था, रीजनिंग में 40 में से 27 था, और ये मेंस का ना बहुत अच्छा स्कोर है। आप सोच रहे हो सर आप तो टीचरों पूरे आने चाहिए थे, ये बहुत अच्छा स्कोर है, याद रखना। जिस दिन मेंस दोगे ना उस दिन समझ में आएगा। 5-5, 6-6 नंबर के बच्चे तरस जाते हैं, इतना डिफिकल्ट पेपर आता है, ठीक है। तो अभी आप ये चीज देखो कि अगर कोई स्टूडेंट मेरी जगह होता, करंट पढ़ लेता, 20 नंबर आ जाते तो वो टॉपर ही हो जाता। फिर जब कट ऑफ 70 है और नंबर 94 है, और उसमें भी अगर 4.5 नंबर आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, तो क्या हालत होगी। पर पेपर ऐसा नहीं था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं आपसे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी और मोहित सर की एक हमेशा बात होती है जब हम लोग कॉमन बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि सर हम बच्चों को बहुत मेहनत करा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में, क्या वो जनरल अवेयरनेस में इस मेहनत को इतनी मेहनत हमारी काम आएगी अगर वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे हालत वर्क हार्ड कर ले तो बच्चों इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके संग मेहनत कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पर थोड़ा फोकस करो, जो भी न्यूज मिलती है 15 से 20 न्यूज दिन की हेडलाइन उनकी डिटेल करो, कम से कम मैं क्या बोल रहा हूँ आपको 2 घंटे टाइम निकालना है दिन में करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। सिर्फ बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखो इस बार, प्रीति कुमारी जो आपका बैंकिंग का मेंस का लेवल है ना वो हवा में बातें करता है। अब आपका ये सवाल है ना कि बैंकिंग इज टफ देन एसएससी, आई विल गिव यू वन स्टैट एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। मुझे एक बात बताओ इस बार एसएससी सीजीएल की मेंस की कट ऑफ कितनी गई थी प्रीति? एसएससी सीजीएल की मेंस की कट ऑफ क्या गई थी किसी को पता है? So it was something 520 out of 600 something. ठीक है, अब ये सुनो IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, जनरल कट ऑफ बताऊंगा 94 out of 250, 89 out of 250, ये जनरल की है, जनरल की 40% नंबर भी नहीं है ये, और ये कितने हैं 86 या 87 के अराउंड, 87% मार्क्स हैं ये, और ये कितने हैं ये आपका मुश्किल से होगा 35-36% और यही आपका 37-38%। प्रीति समझ आ गया कौन सा पेपर टफ है? बैंकिंग मेंस का पेपर जो होता है मैथ्स का वो कैट लेवल तक जाता है एसबीआई पीओ का। समझ आया प्रीति? मिल गया आंसर? यस सर मिल गया। चलो तो देखो आज हमने 40 मिनट अपनी क्लास के 1 घंटे में जो इन्वेस्ट करे हैं, इट्स नॉट कि हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, इट्स इसलिए कि पेपर बहुत क्लोज है, यू हैव हार्डली 50 डेज, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी गाइडेंस ले लो और यार हो जाओ बैंकर बन जाओ, है ना, एटलीस्ट आपकी लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव आएगा। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा आपको पता है आसपास, कुछ तो आपकी जिंदगी में कुछ डूबते सूरज के साथ साथ कुछ तो उगता हुआ सूरज दिख जाएगा ना। ओके, थोड़ा फोकस कर लो, हार्डवर्क कर लो। मैं जो वीकली मॉक टेस्ट बनाता हूँ बैंकिंग का मॉक टेस्ट मैं पूरा डिजाइन करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो एग्जाम का पैटर्न हो 95% तक उसको टच करने की कोशिश करो। अगर आप वहां पे भी अच्छा करोगे तो मैं गारंटी से पेपर पर लिख के साइन करके दे सकता हूँ कि आप पेपर में भी अच्छा करोगे। प्रियंका 6 महीने का, 6 महीने से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 6 महीने का करंट को घोल के पी जाओ, पूरे के पूरा 90% करंट उसमें से आता है। बिल्कुल प्रतिभा, बिल्कुल जो आपका बैंकिंग का एग्जाम है वो रीजनिंग का जब आप मेंस पेपर दोगे तो आप देखोगे कि 60 नंबर में से 40 नंबर का सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल आता है, और वहीं पे मैथ के सेक्शन में 50 में से 35 से 40 नंबर का सिर्फ डीआई आता है। अब ये ना ये मत समझना कि कुछ ही टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स है ना पूरा ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आते हैं ना इंसान हिल जाता है मेंस के पेपर में, तभी इतनी कम कट ऑफ जाती है। ऑब्वियसली बात है प्रीलिम्स बच्चा क्लियर करके गया तो होशियार तो हो गई, फिर मेंस में जाके जनरली कट ऑफ इतनी कम क्यों? पेपर डिजाइन ही ऐसा करा जाता है कि जो आपका हार्ड लेवल में लाई करता है, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हार्ड। इस बार आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो मेंस का पेपर था आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का पेपर, उसकी जो रीजनिंग सेक्शन आया था, ये मैं नहीं बोल रहा, ये और जो महान रीजनिंग के टीचर है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप चाहो तो मुझे भी महान बोल सकते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, लेकिन और भी जो टीचर्स है उनका ये बोलना था, उनका ये मानना था कि क्लर्क का मेंस का रीजनिंग सेक्शन पीओ से ज्यादा डिफिकल्ट था, ठीक है। तो याद रखो, हाँ भाई ये बढ़िया था, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, बेकार बच्चे हैं यार। जनरल अवेयरनेस का बता दीजिए सर कैसे पढ़े? थैंक यू। पढ़ाई का नहीं किया जाएगा, क्या कह रहे हो अमरजीत सर? आपकी पढ़ाई कर देंगे तो नहीं किया जाएगा, सब जानते हैं आप बहुत महान है। अरे भाई शुक्रिया। मैं अभी देखो शीतल कह रही जनरल अवेयर्स कैसे पढ़ना है। देखो शीतल एक काम करना आपको, देखो प्रीति साथ में ही करनी पड़ती है क्योंकि प्रीलिम्स के और मेंस के पेपर में गैप ही नहीं होता, प्रीलिम्स के और मेंस के पेपर में गैप ही नहीं होता। तो बात वही है, मैं आपको जब सिटिंग अरेंजमेंट पजल कराता हूं तो मैं एक आध पजल मेंस का भी कराता हूं, और इसलिए मैंने सैटरडे को क्लास भी स्टार्ट करी थी यूट्यूब के ऊपर लाइव कि मैं आपको मेंस का सिटिंग अरेंजमेंट करा पाऊं। लेकिन लॉकडाउन लग गया ना सैटरडे वाले दिन यहाँ पर, तो ऑफिस नहीं जा पाते हम लोग, और ऑफिस नहीं जा पाते तो यूट्यूब पर लाइव करना मुझे आता नहीं, तो वो टेक्निकल बंदे करते हैं। इस वजह से वो क्लास अभी बंद चल रही है 2 वीक से, वो स्टार्ट भी करे 2 वीक हुआ था, फिर ये लॉकडाउन लग गया, इस वजह से वो क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। हाँ लेकिन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ जिस दिन ये सब चीजें ठीक होंगी वो क्लास को मैं कंटिन्यूस रखने ही वाला हूँ। आप जहां भी हो कहीं भी हो वो क्लास हमेशा आकर देखना जब तक तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और शीतल एक बार आप मुझसे बात कर लेना तो मैं आपको और कन्फाइन स्ट्रेटेजी बता दूंगा कैसे करना है, करें ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हिमांशी स्टार्ट करें स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के साथ। अब चलो तो मुझे बताओ हिमांशी आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? हिमांशी आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब होता है? ये आर्ग्यूमेंट का मतलब वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ जो हम लड़ाई करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ये वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये वो आर्ग्यूमेंट है जिसे आपने हिमांशी ने बोला ओपिनियन, इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, ठीक है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का एक बार मीनिंग पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर। सर ये टॉपिक बैंक वालों के लिए है, एसएससी वालों के लिए। देखो बैंक वालों को तो पढ़ना ही पढ़ना है प्रिया, और एसएससी वाले स्टूडेंट्स के किसी किसी सेट में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट किसी किसी सेट में एक क्वेश्चन डाल देते हैं। मतलब जैसे अगर समझो 25 सेट है एसएससी के अंदर तो 2 सेट के अंदर आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो पढ़ लो, ठीक है। सुनो आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज अ जजमेंट गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। सर बैंक के पेपर में इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स? देखो बैंक के पेपर में वापस से बता देता हूँ, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, इन 5 में से 6 नंबर तक का आ जाता है। टोटल 60 नंबर का आता है आपका मेंस का पेपर। बैंक का मेंस का पेपर में 45 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। अब आप वो मत सोचना कि सर वेट एग्जाम जो इसके क्वेश्चन है उनका वेटेज कैसे है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ऐसे आते हैं जो 2-2 मार्क वाले होते हैं, मतलब जो हवा में बात करते हैं वो वाले, और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन 6 से 7 मार्क के होते हैं, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी आपका आता है 2 से 4 नंबर का, ठीक है। हाँ अब नहीं डिसएग्री प्रिया कुछ कह रहे हो? तो सर ये टॉपिक फिर केवल मेंस में आएगा कि फिर प्री में भी आएगा? नहीं नहीं बेटा सैटरडे को सिर्फ मेंस की क्लास होती है, ओके। प्रीलिम्स का जो भी है वो आपके अलॉटेड बैच टाइमिंग्स में होता है, बैच टाइमिंग्स में, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर से आर्ग्यूमेंट क्या है, ये एक तरह का जजमेंट है गिवन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट आइदर इन द फेवर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। सुनो ये ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट किसी के बारे में गलत बोलना या किसी के बारे में सही बोलना। जैसे कोई मुद्दा उठाए कि ऑब्वियसली बात है कि कोविड को इंडियन गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है, आपने बोला सर ठीक कर रही है, किसी ने बोला सर गलत कर रही है। यहां मैटर ये नहीं करने वाला कि आपने उसके अगेंस्ट में जाके बोला गवर्नमेंट के, और एक बंदे ने उसके फेवर में बोला कि हाँ भाई सही कर रही है, मतलब वो फेवर में, और एक बंदा अगेंस्ट में गया नहीं सर ये गलत कर रही है। बात वो मैटर करेगी ही नहीं। आर्ग्यूमेंट आपका भी है, आर्ग्यूमेंट आपका भी है। अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट देते वक्त वेदर आपने उसके फेवर में बोला या अगेंस्ट में बोला, आपने जिसमें भी बोला, अगर आपने अपने यस और नो के साथ एक अच्छा तर्क, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट, एक अच्छा एविडेंस, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मतलब कि जो लॉजिकल है जिसके अंदर एविडेंसेस हैं, तो वो आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा। सिंपली आप बोल दो कि नहीं गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की बस की नहीं है। अरे तो बस की नहीं है तो क्या ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है? नहीं। आपको किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पर जब कोई भी आप स्टेटमेंट, आप कोई भी आर्ग्यूमेंट देते हो तो यस बोलो या नो बोलो वो मैटर नहीं करने वाला, बट आप उसके सपोर्ट में, चाहे वो यस का सपोर्ट हो चाहे नो का सपोर्ट हो, आप उसको किस एविडेंस के साथ सपोर्ट कर रहे हो वो आपके आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अपने स्कूल में स्कूल लेवल पर डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, किसी ने अपने स्कूल लेवल पर डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो आपने देखा होगा कि 4 कुर्सियां इधर पड़ी रहती हैं, 4 कुर्सियां इधर पड़ी रहती हैं और वहां पर एक नीचे लिखा होता है फॉर और अगेंस्ट। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि जो अगेंस्ट बोल रहे हैं वो सारे हार जाते हैं, कि जो फॉर बोल रहे हैं वो जीत जाते हैं, नहीं, वो सब आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपनी बात को प्रूव करते हैं। जिसके एविडेंसेस उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छे लगते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एविडेंसेस देते हैं, वो बंदा जीत जाता है। उसी हिसाब से चीजें यहाँ पर है कि आपको उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट को पढ़ना है, यस और नो को भूल जाओ, एविडेंसेस को देखो क्या है, एविडेंस लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है, ऐसा हो सकता है, तो वो स्ट्रांग होता है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार को अब लॉकडाउन पूरी तरीके से लगा देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को लगता है क्या कि अब इंडिया को कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए? अभी आप सब लोग यहाँ पे नो 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 कर रहे हो, क्या इसके पीछे रीजन दोगे? ओके, जैसे उमंग है और शीनू ने बोला यस, तो उमंग और शीनू क्या आप मुझे अपने यस और नो के साथ एक कॉमा लगा के एविडेंस दोगे या अपनी बात को स्ट्रॉन्ग रखने की कुछ पॉइंट बोलोगे उसके आगे? तब तक पिछले साल बिल्कुल कोई केस नहीं थे, मतलब कम थे, फिर भी काफी कम थे अब के कंपैरिजन में। अब तो 4-5 लाख केसेस एक दिन में आ रहे हैं, इतनी सारी डेथ्स हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वही सॉल्यूशन है। और इंडिया के लोग इतने जिद्दी है ना, वो मानते ही नहीं है, उनको घर से बाहर निकलना ही है, जब तक लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, जब तक उनके डंडे नहीं पड़ेंगे, तब तक उनको मानना ही नहीं है। तो फिर मुझे तो लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। आपका एक पॉइंट बिल्कुल सही है, आपने जो पॉइंट बोला ना, अब देखो मैंने पता है उमंग से क्यों पूछा या मैं किसी और से क्यों पूछ रहा हूँ, उमंग ने मुझे जब यस बोला और उसके पीछे उमंग ने स्टैट्स का यूज किया, किसका यूज किया? स्टैट्स का। उमंग ने बोला कि सर दिन में 4 से 5 लाख डेथ हो रही है। एक बात बताओ, क्या इससे बड़ा कोई एविडेंस हो सकता है? मैं सिर्फ किसी जो यहाँ पे नो बोल रहे हैं, मैं उनके नो को गलत साबित करके उमंग के यस को ऊपर नहीं रख रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उमंग ने बोला था कि सर स्टैट्स देखो, 4 से 5 लोगों की डेथ हो रही है और पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो इतने लोगों का कोरोना इतना नहीं फैल रहा था, डेथ को भी हम बचा रहे थे जब सब लोग घर बैठे थे। उसने जो स्टैट्स का यूज करके अपने पॉइंट को आगे रखा है वो उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं नहीं, कोरोना से जो डेथ रेट है, कोरोना से अगर ओवरऑल डेथ रेट देखोगे इंडिया के अंदर तो अभी भी वो सिर्फ 2% है, 1.5 से 2%, जो कि एक सिर्फ रीजन है किसी एक पर्टिकुलर चीज से डेथ होने का। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता, क्योंकि हमें स्टैट्स दिखाए जा रहे हैं इसलिए हमें पता है कि कोरोना की वजह से इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इंडिया के अंदर अन्य कारणों की वजह से लोग कितने मर रहे हैं, क्योंकि वो आपको दिखाया नहीं जा रहा। ठीक है, और भूखमरी सबसे बड़ी डेथ होती है, इंसान भूख से मरना पसंद नहीं करेगा, कोरोना से मरना पसंद करेगा। तो जब किसी चीज से 1 से 1.5% अगर डेथ रेट है जो नॉर्मल किसी पर्टिकुलर रीजन से भी कम है, तो क्या उसकी वजह से हम लोगों को भूखा मार देंगे? ठीक है, मैंने यहां पर नो बोला, मैंने यहां पर अपने पॉइंट्स को रखा, मैंने एविडेंसेस को रखा। ठीक है, तो यहां इस केस में दोनों पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रहा है? कोई क्या इस बारे में कोई और पॉइंट बोलना चाहता है? देखो, these statement argument and statement assumption, these two topics are more of conversion। जितना हम लोग कम्युनिकेट करेंगे उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी। बताओ, so sir, dealing with the questions we have to keep our opinion aside and see कौन से argument के साथ evidence ज्यादा है। Exactly, you have to keep your point of view aside, do not go with your point of view। वो नहीं देखना, आपको देखना है कि भाई वो बंदा यस बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, ये बंदा नो बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि एक सबसे बढ़िया आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ। आपको बेसिकली आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड है। हमारा क्या होता है, जब हम स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ते हैं, यहाँ पर इन तीनों टॉपिक्स को जब हम अलग 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 तरीके से पढ़ते हैं तो क्या चीज है क्योंकि रूल और नियम नहीं है यहाँ पे, कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग है, रूल और नियम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या चीज है जो हमें स्विच करनी पड़ती है जब हम आर्ग्यूमेंट से असम्पशन में जाते हैं, असम्पशन में कंफ्यूजन में जाते हैं, तो क्या चीज ऐसी है तो हमें स्विच करनी पड़ती है? हमें हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्विच करना पड़ता है। समझ आया कि भाई अभी मैं असम्पशन कर रहा था तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये था, अभी मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ अब मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये है, अभी मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कन्वर्ट क्या कर रहा हूँ, अपने सोचने के तरीके को बदलना है। जैसे कि आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन को करोगे तो एक फोटो दिखाऊंगा आपको, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर क्या स्टेट ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। इस फोटो को देखो और फोटो को देखकर मुझे बताओ कि मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप किस तरीके से सोचो। हाँ सोनाक्षी, बिल्कुल। अभी सोनाक्षी आप आगरा में हो, थोड़ा सा सेफ रहना क्योंकि आगरा के हॉस्पिटल्स में कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, मुझे एक्चुअली मैं भी खुद आगरा से ही, आगरा के पास से, तो मुझे वहाँ का पता है। और बाकी लोग जो भी अलग अलग सिटीज से हैं अपना ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि अब इस समय कंडीशन वर्स है। मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ ये तो कोट लग रहा है, हाँ ये कोट रूम ही है ना। पर आप कौन हो यहाँ पे, आप पता है कौन हो? मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ये हो, आप अपने आप को ले जाओगे इस व्यक्ति की जगह पर। कौन? आप बन जाओगे जज, आप बन जाओगे जज। और आपके सामने जो 2 या 3 आर्ग्यूमेंट होंगे उनको कंसीडर करना, दैट लॉयर नंबर 1, लॉयर नंबर 2, लॉयर नंबर 3। मतलब आप होगे एज अ जज, जो भी आर्ग्यूमेंट आपके सामने आएंगे वो आर्ग्यूमेंट आपके लिए होंगे लॉयर नंबर 1, लॉयर नंबर 2, लॉयर नंबर 3। अब बीइंग अ जज, अब देखो भाई कौन सा अपनी दलील ज्यादा अच्छी रख पा रहा है। चंडीगढ़, हाँ मनस, चंडीगढ़ पहले भी लास्ट ईयर भी काफी सेफ था और चंडीगढ़ इस बार भी काफी सेफ है, क्योंकि चंडीगढ़ एक्चुअली क्या है, आप देखो यार मैं बोलना नहीं चाह रहा लेकिन जो सिख लोग होते हैं ना बहुत समझदार है यार वो, सीरियसली वो, मतलब एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, दिल्ली हाई कोर्ट का, परसों की बात है, कल की बात है जो मीटिंग हुई थी, उसमें हाई कोर्ट ने पता क्या बोला था? हाई कोर्ट ने बोला था कि केजरीवाल जी से लेकर जो दिल्ली की ताकत, जो पावर है ना, वो सिख लोगों के हाथ में दे देनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा अच्छा उसको मैनेज कर पा रहे हैं। सबकी हालत एक जैसी प्रीति। आप महाराष्ट्र चले जाओ, महाराष्ट्र में तो क्या ही बोले हो, ठीक है। तो हाँ गुरुदेव का आशीर्वाद, ठीक है। तो समझ में आया कि स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट। हाँ संदीप आप कहीं मत जाओ, कोई नहीं मुंबई आ रहा, आप भी घर के अंदर बंद रहो, ठीक है। चलो समझ में आया स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में है क्या चीज, अपना माइंडसेट को कहाँ लेकर जाना है। हिमांशी आइडिया लगा एक? ठीक है, तो आज हम लोगों का जो डिस्कशन था बेसिकली दिस सेशन वाज डिवोटेड टू कि भाई एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स आ रहा है 45 डेज के अंदर। हाँ सिक्स आर वेरी सेल्फलेस, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो एसबीआई क्लर्क आ रहा है तो भाई सर कैसे करें, क्या डिवोट करना है, तो हमारा जो बेसिकली आज टाइम पीरियड था उसी में चला गया। खुशी के डाउट से और लोगों के डाउट्स आए ने, दर्शन आपका डाउट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ले लूंगा, आप अगर पहले बता देते तो आई वुड हैव इंक्लूडेड द स्लाइड, ओके। तो ये आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है, इसके बारे में कुछ कहीं कहीं हम कुछ ऐसा होता है कि एक हिंट निकाल लेते हैं या ट्रिक्स निकाल लेते हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें देखेंगे। और बाकी हमें ये चैप्टर जो है लॉजिकल अपने माइंडसेट से ही करना है, ठीक है। समझ आया सब लोगों को आज जो भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, जो भी पढ़ाई करी, जो भी डाउट डिस्कस करे? सर जो टॉपिक सैटरडे को डील कर रहे होते हैं क्लासेस, हर सैटरडे टू सैटरडे चलते हैं, पर नेक्स्ट क्लास फॉर दिस विल हैपन ऑन नेक्स्ट सैटरडे। नेक्स्ट सैटरडे इसी के साथ कंटिन्यू होगा, टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, ओके। चलो फिर ठीक है भाई, सभी बालक और बालिकाएं अपना ध्यान रखें, मौज मस्ती कम करें, पढ़ाई पे ध्यान दें क्योंकि आपके सामने 2 पेपर है, सीजीएल भी है और बैंकिंग क्लर्क भी है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क की सैलरी बहुत अच्छी है, एसबीआई क्लर्क भी लग जाओगे तो थोड़े टाइम में उसमें इतने सारे प्रमोशन मिलते हैं कि बस ठीक हो जाएगा सब चीज, ठीक है। या बच्चों आई विल टेक केयर, आप लोग भी ध्यान रखो, ठीक है। चलो Yes, Priya, it's only for mains बच्चे. Okay, चलो, bye bye, take care.